ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। और आज अभी ये हम लोग एक छोटा सा आर्टिकल है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब एक पेरेनियल टॉपिक है, पेरेनियल सब्जेक्ट है, जो हमेशा आते रहता है कि एक जैसे इंडिया तो एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, जीडीपी में इंडिया में एग्रीकल्चर जो है बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का होता है, चाहे वो प्रोडक्शन को लेके हो, चाहे वो लेबर को लेके हो, एम्प्लॉयमेंट के लेके हो। या अगर आप बिहार का केस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 75-80% ऑफ पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर 13 करोड़ के पॉपुलेशन वाले स्टेट में 75-80% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आ जाए, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, ठीक है, या फसल बीमा योजना हो गया, या MSP रिलेटेड कोई चीज़ हो, या फिर एग्रीकल्चर में कोई नई टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, नैनो यूरिया टाइप का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, चाहे आप BPSC का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो। अब आज के डेट में एग्रीकल्चर और क्यों इंपॉर्टेंट है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि आपको एग्जामिनेशन में इसको लिखना है या आंसर करना है, तो क्लाइमेट चेंज जो है ना, एक बहुत मतलब आज से 3-4 साल पहले क्लाइमेट चेंज जो है वो एक टॉपिक था जो कि पढ़ा जाता था, बट पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर, बट वी आर विटनेसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इस क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टेम्परेचर बैलेंस है ना अर्थ का, मान लीजिए आप जो भी आप मतलब अगर आप टेम्परेचर रेंज नहीं फैक्ट्स और डेटा पे नहीं जाना चाहते हैं, तो नॉर्मली आप देखें कि जिस समय पे जितनी बारिश होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिस समय पे जितनी गर्मी होनी चाहिए वो नहीं है, और जिस समय पे जितनी ठंडी होनी चाहिए वो नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज क्लाइमेट चेंज। क्यों होता है वो अपने आप में एक डाइवर्स और बड़ा टॉपिक है, बट बेसिकली ये टेम्परेचर चेंज के वजह से होता है। और 1.5 डिग्री सेल्सियस तो खैर सबके जुबान पे है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है, मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर जो भी था उससे हम मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही राइज करें। मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल अगर 25 डिग्री सेल्सियस था एवरेज टेम्परेचर, तो प्लस 1.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े, इससे ज़्यादा ना बढ़े। आप बोलेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस क्यों बढ़ रहा है? तो भाई, जो हम लोग गाड़ी से धुआं निकालते हैं, जो आपके एसी से गर्मी निकल रहा है, जो कोयला जलाया जा रहा है खाना बनाने के लिए या फिर बिजली पैदा करने के लिए, तो ये सब जो है वो टेम्परेचर राइज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और इस ग्लोबल वार्मिंग के बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर पे बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है, खासकर तब जब एग्रीकल्चर जो है हमारा वो नेचुरल रेन फेड है, ठीक है, बारिश जो होती है उस पर डिपेंडेंट है। हमारा जो सॉइल है और सॉइल का जो प्रॉपर्टी है, जो सॉइल का मॉइस्चर है, वो सब नेचर पर डिपेंड करता है। और जब नेचर ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये सब का क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी एज अ कम्युनिटी, विच वी एज अ सोसाइटी, विच वी एज एन इकोनॉमी विच इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, चाहे वो भाई एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे फिर फूड सिक्योरिटी की बात हो कि हमारे यहाँ फूड का दिक्कत नहीं है, ये अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा बैकग्राउंड था। अब ये द हिंदू में आया हुआ आर्टिकल एडिटोरियल है 25 नवंबर 2023 का। तो इस आर्टिकल को मैंने सोचा कि एक बार डिस्कस कर लेना जरूरी है। अगर आप एक बार सुन लेते हैं, इट डजेंट मैटर कि आप बिगिनर हैं या फिर आपने पहले पढ़ रखा है, तो एक मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी इस आर्टिकल को पढ़ के। तो देखिए, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज फेसिंग ह्यूमैनिटी इन 21st सेंचुरी क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड फूड इनसिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज, जो अभी हमने बात की, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देखेंगे कि साइक्लोन, ड्रॉट, फ्लड, अर्बन फ्लडिंग, दो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि नाला नहीं है, सड़क के बगल में नाला नहीं है, घर बनाते हैं तो नाला ठीक से प्लानिंग करके नहीं बनाते, अर्बनाइजेशन वगैरह, बट फिर भी इसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है। टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज का आउटकम है, ठीक है। और फूड इनसिक्योरिटी क्या है कि जितना खाना मिलना चाहिए पॉपुलेशन को वो अवेलेबल नहीं है। खाना मतलब कि क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी,
ठीक है, क्वालिटी यानी कि न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए, ठीक है, हेल्दी फूड मिलना चाहिए टू कीप योर बॉडी हेल्दी, टू कीप योर माइंड हेल्दी। तो ये फूड इनसिक्योरिटी जो है, अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारा PDS स्कीम चलता है, क्यों चलता है, यही जो फूड इनसिक्योरिटी है गरीबों के बीच में उसको खत्म करने के लिए चलता है, ठीक है। मिड डे मील स्कीम है, ठीक है, आंगनवाड़ी योजना चलता है, ये सब क्या है, ये फूड इनसिक्योरिटी को खत्म किया जा रहा है, उसके साथ साथ एजुकेशन और बाकी सब चीजें भी दी जा रही है, ठीक है। हीट वेव, फ्लैश फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज का आउटकम है। तो 21st सेंचुरी में टू मोस्ट प्रेसिंग थिंग इज दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग एंड फूड इनसिक्योरिटी, खाना नहीं मिलेगा, बवाल हो जाएगा, ठीक है। सदर्न कॉन्टिनेंट, अगर आप पूरा ग्लोब को देखेंगे ना, तो चूंकि नदर्न जो पार्ट है ना, जैसे USA, कनाडा, इधर आप यूरोप का पूरा नदर्न यूरोपियन नेशन देखेंगे, ये सब रिच कंट्री है, रिच नेशन है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, इनके पास बहुत पैसा है, तो ये तो भैया अपने कारखाने में चावल बना लेंगे, ठीक है। बट जो सदर्न स्टेट्स है, सदर्न नेशंस है, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे आप अफ्रीका की बात कर लें, चाहे आप इंडिया की बात कर लें, ठीक है, तो जितने सदर्न नेशन है ना, तो ये अभी उतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए थे, तो यहाँ पे जो है लोगों के पास ना उतना पैसा है और ना ही हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू नदर्न स्टेट। तो दैट्स वाई सदर्न कॉन्टिनेंट आर रिपोर्टेडली एक्सपीरियंसिंग सीवियर ड्रॉट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक, विच नेगेटिवली इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स लिवलीहुड। ऑब्वियस सा बात है, ड्रॉट होगा, खेती नहीं होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फार्मर का लिवलीहुड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक स्कीम अगर आप लोगों ने पहले सुना हो कि फार्मर इनकम को डबल करना है 2022 तक, जो कि कोविड और बाकी चीज़ों के वजह से जो है ऑफिशियली शायद अचीव नहीं हो पाया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन। बोथ पॉपुलेशन एक्सपेंशन एंड डाइटरी चेंजेस, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है भाई, 8.5 बिलियन पॉपुलेशन हो गया, 850 करोड़ जनता है दुनिया में, पूरे दुनिया में, इंडिया जो है चाइना को सरपास कर रहा है। तो और डाइटरी चेंजेस हो रहा है कि हमको न्यूट्रिशनल फूड चाहिए, अब न्यूट्रिशन चाहिए अच्छा सा, ठीक है, मतलब हमें प्रोटीन चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में कार्ब्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसके वजह से क्या है ना कि फूड का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन फूड का डिमांड बढ़ रहा है और ड्रॉट हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये फूड का डिमांड कहाँ से फुलफिल होगा, ये चीज़ें कहाँ से फुलफिल होगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हमारा है आर बिकमिंग लेस प्रोडक्टिव, क्यों, क्योंकि हम ट्रेडिशनल तरीके से अगर पढ़ाई करें, और BPSC ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है, 68th के समय से ही, 69th के समय तो बहुत ज़्यादा वो आपको दिख भी रहा था, तो अगर हम पुराने तरीके से पढ़ेंगे तो कारगर नहीं है। तो ठीक उसी तरह से जब पूरा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अपना फार्मिंग प्रैक्टिस हम पुराने ग्लोबल क्लाइमेट के हिसाब से करेंगे तो ये रेलिवेंट नहीं रह जाएगा। दैट्स we have to adopt some new technique, we have to devise some innovative technologies, we have to create some innovative ideas, we have to work on those ideas, ताकि हम traditional farming practice से आगे बढ़ें और climate smart agriculture, ठीक है, इसके तरफ आ सकें, ठीक बात है। चलिए, हमें अपने तरीकों को re-evaluate करना पड़ेगा और जो change हो रहा है उसको adapt करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे एक देखिए डेटा दिया गया है कि प्रेसिंग नीड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू राइज बाय 60% बाय 2050। देखिए ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है, एग्री प्रोडक्शन है, 2050 तक उसको 60% बढ़ाना है, ठीक है, और यहाँ बार बार बढ़ाने की बात हो रही है, जबकि क्लाइमेट चेंज के वजह से हमारा यील्ड जो है वो कम हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक वायबल ऑप्शन दे दिया गया यहाँ पे, तो हमने प्रॉब्लम बता दिया, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द ब्यूरोक्रेसी, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सच काइंड ऑफ सर्विसेज वेयर कि आपको सॉल्यूशन देना है, सिर्फ आप प्रॉब्लम नहीं बता सकते, प्रॉब्लम तो सड़क पे जो लोग खड़े हैं वो भी बता रहे हैं, जो घर में बैठे हैं वो भी बता रहे हैं, बट एज अ सिविल सर्वेंट आपको क्या करना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है, सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन सोचना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसलिए वायबल ऑप्शन भी देखते हैं हम कि वायबल ऑप्शन इसका क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का, किसने दिया है, FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है रोम में, ठीक है, UN का स्पेशलाइज एजेंसी है FAO। तो इस डेफिनेशन को अगर आप लिखेंगे तो उसको कोई काट नहीं सकता है। ट्रांसफॉर्मिंग फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी अंडर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस कंडीशन में आपको फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन करना है और एग्रीकल्चर सिस्टम को सपोर्ट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट
कराना है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी, कब, अंडर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में ये लिखना, क्यों, क्लाइमेट चेंज के वजह से ही तो हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल रहे हैं। ठीक है, इसका तीन पिलर है, क्या है कि सस्टेनेबली इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। ठीक है, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, अपना जो भी जो पुराना तरीका है उसको अडॉप्ट कराना है और नए तरीकों को अडॉप्ट करना है, रेजिलियंस बिल्ड करना है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक काम करते हैं कि हम ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न या ऐसा क्रॉप या ऐसा सीड डेवलप करते हैं जो कि टेम्परेचर को विदहोल्ड कर सके, टेम्परेचर उस टेम्परेचर पर सस्टेन कर सके। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस को खत्म करना है जो कि बकासुर है, किस चीज के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, तो तीन पिलर क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा लीजिए, रेजिलियंस बढ़ा लीजिए और ग्रीन हाउस गैस को कम कर दीजिए। तो इसको अगर दिखाना है एग्जाम में तो ऐसे आप ट्रायंगल बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, तीनों चीज को यहां पर लिख सकते हैं तो डायग्राम हो जाएगा। क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस क्या होता है भाई, तो वाटर स्मार्ट आपको होना है, वेदर स्मार्ट होना है, एनर्जी स्मार्ट होना है, कार्बन स्मार्ट होना है। ठीक है, अब इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इन्हीं वर्ड्स को रट लीजिए। क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस क्या होगा भाई, तो देखिए एक एग्रीकल्चर में जो भी चीज इनपुट जाता है तो इनपुट स्मार्ट आपको होना है। ठीक है, इनपुट में क्या जाता है, सीड जाता है तो सीड आपका स्मार्ट होना चाहिए। इनपुट में और क्या जाता है, पानी जाता है तो वाटर स्मार्ट आपको होना पड़ेगा। इनपुट में क्या जाता है, फर्टिलाइजर जाता है तो फर्टिलाइजर स्मार्ट होना होगा। इनपुट में और क्या जाता है, मशीन्स जाता है तो आपको मैकेनाइज करना पड़ेगा, स्मार्ट मैकेनाइजेशन चाहिए। ठीक है, तो ये सब इनपुट हो गया। फिर जब खेती हो रहा है तो उस समय क्या होता है, इरिगेशन होता है, अगेन वाटर स्मार्ट आपको होना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना है कि अब इसमें और क्या क्या चीजें डालनी है तो वो सबको लेके आपके अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि जब आप हार्वेस्ट कर लेते हैं और कट करके इसको, जब यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट की बात कर रहे हैं, जब आपका फसल हो चुका है तो इसको गोदाम में लेके जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा स्मार्ट होना चाहिए, स्टोरेज भी हमारा स्मार्ट होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर हमने देखा 60% इंक्रीज करने की जरूरत है क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हमारा डाइटरी जो नीड है वो चेंज हो रहा है, वो डाइवर्स हो रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस में ऐसे तीन चार एग्जांपल आप दे सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन को मैनेज करना है, अपने सॉइल हेल्थ को ठीक करना है, सॉइल में क्या होता है, सॉइल में मॉइस्चर होता है। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं और मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, आयरन होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये सब का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जैसे यूरिया का जब भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो एक आता है कि NPK है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसका बैलेंस जो है वो 4:1 होना चाहिए रेशियो, 4:2:1 के रेशियो में होना चाहिए। लेकिन चूंकि यूरिया सस्ता मिलता है और यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन, तो यूरिया सस्ता मिलता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं और इसलिए ये नहीं अचीव हो पाता है। और इवन कि 11:5:2 ये वाला रेशियो चलता है या 0.2। ठीक है, कि पोटेशियम और फॉस्फोरस जो है वो बहुत कम है और यूरिया बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये क्या होता है, यानी कि सॉइल आपका हेल्दी नहीं है, सॉइल आपका इनहेल्दी हो गया, आप बिना सोचे समझे कुछ भी डाल रहे हैं। जैसे हमारा तबियत खराब हुआ, बिना सोचे समझे पैरासिटामोल खा लिए, जरूरत ही नहीं थी, जिस चीज की जरूरत थी वो डालनी थी। ठीक है, तो सॉइल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके दिमाग में आता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो सबको इंप्रूव करना है, सबको इफिशियंट बनाना है, सबको सस्टेनेबल बनाना है, सबको रेजिलियंट बनाना है। ठीक है, इंडियन क्रॉप यील्ड डिक्लाइन ओइंग टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एज हाई एज 9%। ठीक है, 2010 से 2039 के बीच में 9% तक ये क्लाइमेट चेंज के वजह से डिक्लाइन होगा। पिछले साल जे पाल का एक स्टडी था, पंजाब में किया था, कि टेम्परेचर राइज के वजह से पंजाब हरियाणा में वीट और राइस के प्रोडक्शन पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था। दो इसका डेटा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हमारा यील्ड यानी कि पैदावार वो कम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए, और यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG भी क्या बोलता है, पहला ही है कि हंगर फ्री बनना है। हंगर फ्री कब होंगे, जब हमारे पास फूड होगा, और फूड के लिए हमें क्या करना होगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे खतरा किसका है, क्लाइमेट चेंज का, इसलिए हमें क्या करना होगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम गवर्नमेंट का आया हुआ है, यूज प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, वही सब जो भी सॉइल में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आया था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 12 एलिमेंट्स हैं इसमें, प्लीज चेक।
और एक बार उसको देख लें कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट आता है, ठीक है। फिर आता है प्रिसीजन फार्मिंग के, जितना इनपुट चाहिए उतना ही देना प्रिसीजन, जैसे पढ़ाई प्रिसीजन होता है कि सिलेबस देखे, पीवाईक्यू देखे और उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी तरह से फार्मिंग में प्रिसीजन कि भाई सीड इतने एरिया में कितना डालना है, कितना केजी, इसमें फर्टिलाइजर कितना चाहिए, वाटर कितना चाहिए, ठीक है, कितने इंटरवल पर वाटर चाहिए, कितने इंटरवल पर फर्टिलाइजर चाहिए, तो ये हो गया प्रिसीजन फार्मिंग। इसमें क्या है ना कि आप नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, सेंसर्स लगा सकते हैं, ठीक है, वाटर स्प्रिंकलर का यूज किया जाता है, वैसा फ्लड इरिगेशन नहीं किया जाता कि पाइप लगा दिया और पूरा पानी भर रहा है, नहीं, स्प्रिंकलर का यूज करते हैं, और इस तरह से बहुत सारा टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक एग्जांपल हो सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है। कम्युनिटी सपोर्टेड एफर्ट होना चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी में वैसे भी हम जानते हैं कि पावर फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, हाय द पीपल, माय द पीपल, जाय द पीपल, है ना, तो कम्युनिटी सपोर्टेड होना चाहिए कि भाई नीचे के लोग जो फार्मर हैं, जो ग्राउंड पे खड़े हैं, अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा तो आप बड़ा बड़ा पॉलिसी, तो छोड़िए एक छोटा सा पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, जैसे इलेक्शन के समय कम्युनिटी का सपोर्ट आता है ना कि लोग निकलते हैं और वोट करते हैं, तो उसी तरह से इस तरह के पॉलिसी में भी कम्युनिटी का सपोर्ट होना चाहिए, रिलक्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। और वो कौन बनाएगा? वो गवर्नमेंट बनाएगी या फिर जो प्राइवेट एनजीओज है, मतलब सबका रोल होना चाहिए इसमें कि कम्युनिटी इतना एक्टिव हो कि चीज़ों को सपोर्ट करे, करने के लायक बन सके, उनके पास इतना नॉलेज हो, उनके पास इतना स्किल हो, उनके पास इतना क्रेडिट हो, पैसा हो, उनके पास टेक्नोलॉजी को सिंपल शब्दों में पहुंचा दिया गया हो, उनके पास टूल्स हो और वो सपोर्ट कर सके क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे इनोवेटिव आइडियाज को। क्रिएट एग्रीकल्चर इकोसिस्टम दैट आर बोथ रेजिलियंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। एनवायरमेंट फ्रेंडली और रेजिलियंट इको फ्रेंडली इकोसिस्टम बैलेंस करना है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना है, कम्युनिटी के पास जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पराली का, यानी जो जलाया जाता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जिसके वजह से दिल्ली में और उसके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो ये क्या है? कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रहा है। सरकार चाहती है कि पराली ना जले लेकिन कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आप इस पे सीधे ब्लेम नहीं कर सकते फार्मर्स को, इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है, तो ये सब क्रिएट करना होगा ताकि कम्युनिटी जो है सपोर्ट कर सके। एग्रोफॉरेस्ट्री करना है तो इसको सब्सिडी दीजिए, है ना, इसको प्रमोट कीजिए, एग्रोफॉरेस्ट्री को एमएसपी में डाल दीजिए, इसको एग्रोफॉरेस्ट्री से जो भी चीजें मिले ऐसा हो कि किसान को इससे फायदा हो, किसान को इससे दो पैसा अर्निंग हो। जैसे ही अर्निंग होना शुरू होगा चीजें अपने आप होने लगेंगी। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, आपको समझाना होगा कि वाटर को जबरदस्ती बर्बाद करने से बहुत ज्यादा फसल नहीं होने वाला, तभी किसानों को समझ में आएगा। किसान को बताना होगा कि वाटर टेबल अगर नीचे है आपके जमीन के नीचे, आप निकाल के और खेती कर रहे हैं, ठीक बात है कीजिए, लेकिन अननेसेसरी निकालिएगा तो आप तो कर रहे हैं लेकिन अगला जनरेशन पानी कहां से लाएगा? अफ्रीका से लाएगा कि अमेरिका से लाएगा? अगर ये बात समझा गए हम किसानों को तो किसान ये जो ग्राउंड वाटर पानी जो यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, तो उसके लिए थोड़ा सा वो रैशनल हो जाएंगे, उसमें वो थोड़ा सा इफिशियंसी लेके आएंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट होगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर होगा। क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने का जरूरत है। जैसे पंजाब में क्या है, रेन 80 सेंटीमीटर से कम एवरेज रेनफॉल, ठीक है, जबकि राइस के लिए आपको 100-120 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए, ठीक है। तो यानी कि पंजाब में रेनफॉल राइस के लिए एडिक्वेट नहीं है, फिर भी पंजाब में चावल की बहुत ज्यादा खेती होती है। क्यों? क्योंकि चावल पे है एमएसपी, पंजाब में एमएसपी का स्कीम का फायदा मिलता है, वहां मंडीज उस तरह से डेवलप है, तो किसान खेती करते हैं। लेकिन सवाल है कि पानी चाहिए 120 लीटर और मिल रहा है 80 लीटर, तो बाकी का 40 लीटर कहां से आ रहा है? ये 40 लीटर आ रहा है ग्राउंड वाटर से, जो अभी हमने बात की, ठीक है। तो क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। राइस को छोड़िए, राइस बिहार में उपजेगा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बंगाल में उपजेगा, लेकिन पंजाब में जो है वैसे क्रॉप्स को उपजाइए जो 80 सेंटीमीटर से कम बारिश में उपज रहे अच्छे से, उसके लिए मार्केट क्रिएट कीजिए, है ना। तो क्रॉप डाइवर्सिफाई हो जाएगा और अगेन फिर वाटर इफिशियंसी आ जाएगा। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप करना होगा, ठीक है, कि अगर ड्रॉट हो गया तो भाई हमारा क्रॉप जो हो ना, जो हमने सीड जो डाला है ना, वो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो। अगर ड्रॉट आए तो ये जो क्रॉप हमारा खरा है वो मर नहीं जाए। इस क्रॉप में ये क्वालिटी हो ना कि ये मॉइस्चर को होल्ड करके रख सके एडवर्स कंडीशन के लिए। जैसे हम अगर पैसा कमाते हैं या घर से पैसा आता है, मिलता है, पॉकेट मनी मिलता है, मंथली रेंट मिलता है, खर्चा जो भी मिलता है, तो जो मिलता है उसमें
से हम लोग 2000 रुपया बचा लेते हैं, ठीक है, ताकि एडवर्स कंडीशन में हमें हेल्प मिल सके, ठीक है, हम उसको यूज कर सके। तो उसी तरह से ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप को भी डेवलप करना होगा जो मॉइस्चर को होल्ड कर सके। इंक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट वाइल मेंटेनिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, एक लाइन है कि भाई इंक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाना है बट साथ ही साथ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉजेज अ ड्रामेटिक चेंज इन फार्मिंग कम्युनिटीज इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, सोशल स्ट्रक्चर पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो जब भी इस तरह की चीज को लिखते हैं तो बोलते हैं ना कि मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना है, तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल सब कुछ लिखते हैं। तो वही देखिए कि अगर आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ले रहे हैं तो सिर्फ इकोनॉमी को नहीं इंपैक्ट कर रहा है, सोसाइटी को भी इंपैक्ट कर रहा है, सोशल स्ट्रक्चर को भी इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे इंपैक्ट कर रहा है भाई? तो अगर किसान जो है वो स्मार्ट हो जाए, उसका इकॉनमी अच्छा होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि सोशल स्ट्रक्चर भी ठीक होगा, सोशल टेंशन नहीं होगा लोगों के बीच में, है ना, एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा। कोई किसान है जिसके पास अगर मान लीजिए कि 1 बीघा जमीन है, तो 1 बीघे जमीन में अगर पहले वो 100 रुपए कमा रहा था, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करेगा तो 200 रुपए कमाएगा। तो मनी लेंडर से इसको अननेसेसरी लोन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, कर्जे में नहीं डूबेगा, विशेष साइकिल ऑफ डेप्ट में नहीं जाएगा, ठीक। तो सोशल स्ट्रक्चर भी हमारा ठीक होगा, एक्सेस टू क्लाइमेट रेजिलियंट मेथड, ये सब हमें करना होगा, इंफॉर्मेशन देना होगा, नॉलेज डेवलप करना होगा। इको सिस्टम बेस्ड अप्रोच है, आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आप अपने गाँव में रहते हैं और आप सोचिएगा कि सिर्फ आप रईस हो जाए, आप बहुत नॉलेजेबल हो जाए और बाकी लोग ना पढ़े, बाकी लोग ऐसे ही रहे, तो हो सकता है कि एक बार के लिए आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर वहां का पूरा इकोसिस्टम खराब होगा तो आपका भी अगला जनरेशन खराब हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से एग्रीकल्चर में है कि अगर आप इकोसिस्टम अप्रोच में नहीं चलते हैं, बाकी पेड़ पौधों का ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ काट के और फसल आप उपजा रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। ये कितने दिन तक आप फसल उपजाइएगा? सारा पानी आप चूस जाइएगा, इसको पानी नहीं मिलेगा पेड़ को, पेड़ मरना शुरू हो जाएगा, तो फिर बादल नहीं बनेगा, बारिश नहीं होगा, तो फिर फसल आपका कैसे उपजेगा? इस पेड़ पे जो पॉलिनेटर्स रहते हैं, जो बी रहता है, जो कि एक फूल से दूसरे फूल पे जाता है, पॉलिनेशन कराता है, तो वो उसका रहने का जगह आप खत्म कर दिए तो ये नहीं चलेगा। तो आपको इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच रखना होगा, जहां पे कि आपको ट्री का भी ध्यान रखना है, ग्रास का भी ध्यान रखना है, एयर का भी ध्यान रखना है, वाटर का भी ध्यान रखना है, अपने क्रॉप का भी ध्यान रखना है, ठीक है, पूरे इकोसिस्टम का ध्यान रखना है, फ्लोरा एंड फौना टोटल का ध्यान रखना है। इस बेस्ड अप्रोच पे चलना है, जितनी बारिश हो रही है उसी तरह का फसल उपजाना है। ऐसा नहीं कि बारिश हो नहीं रहा और जबरदस्ती इरीगेशन करके राइस उपजा रहे हैं तो ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच ये होता है। क्रॉप लैंड और वाइल्ड रीजन, जो अभी मैंने समझाया कि क्रॉप भी और वाइल्ड रीजन दोनों को साथ में एग्जिस्ट कराना है। ऐसा नहीं है कि पूरे जंगल को काट दीजिए और सिर्फ शहर बसा दीजिए, तो सांप कहां जाएगा, बंदर कहां जाएगा, फिर वो आपको आपके किचन में मिलेगा और आप बोलेंगे कि बंदर मेरे किचन में घुस गया। अरे नहीं भाई, बंदर आपके किचन में नहीं गया है, आप बंदर के घर में घुस गए हैं, आप उसके घर में घुस के घर बना लिए। सांप आपके यहां नहीं निकल गया बेड के नीचे, आप सांप के बिल में घुस गए, आप उसका बिल खा गए। सेफ गार्ड नेटिव प्लांट स्पीसीज, देखिए नेटिव प्लांट स्पीसीज, नेटिव हर चीज को, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो पीपल हो उसको सेफ गार्ड करना है, चाहे वो नेटिव एनिमल हो उसको सेफ गार्ड करना पड़ेगा, चाहे वो नेटिव क्रॉप हो उसको सेफ गार्ड करना पड़ेगा। हर नेटिव प्लांट स्पीसीज, हर नेटिव जो स्पीसीज है, गाय का भी है, जैसे गोकुल स्कीम सरकार चलाती है, वो क्यों चलाती है? नेटिव स्पीसीज को बचाने के लिए। जब आपका जड़ ही खत्म हो जाएगा तो आप ऊपर कहाँ ग्रो कीजिएगा? जड़ क्या होता है? नेटिव। तो इसको बचा के रखना है। कीप पॉलिनेटर्स पॉपुलेशन स्टेबल एंड मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन, हैबिटेट को डिग्रेड नहीं कराना है, जो हमने अभी इकोसिस्टम अप्रोच में देखा। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस कहां से निकलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलता है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इफिशियंट बनाना होगा। ग्रीन हाउस गैस 17% कंट्रीब्यूट करता है टोटल कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो अगर हम एग्रीकल्चर को स्मार्ट बनाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस भी इमिशन कम होगा, और कम होगा तो ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहा है वो भी कम होगा। इंडिया ने जो कमिट किया है कि भाई हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, तो वो चीजें जो है अचीव कर पाएंगे, ठीक है। फार्मलैंड कार्बन स्टोरेज, फार्मलैंड कार्बन स्टोरेज कैसे होगा भाई? तो आप फार्म पे एक तो क्या आप अपना गेहूं चावल जो भी उपजा रहे हैं अगल बगल में पेड़ लगा दिए। पेड़ क्या करता है हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करता है, तो जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ में चला जाएगा। अब आप इमेजिन कीजिए आपके गांव में जितना भी खेत अभी खाली है, ठीक है, और हर जगह अगर पेड़ हो जाए, हर जगह पेड़ लगा दिया जाए, खेत के किनारे किनारे बाउंड्री बना दिया जाए, ठीक है, तो अगर जब पेड़ उपज जाएगा वहां पे,
तो वो क्या होगा, उतना सारा कार्बन स्टोर हो जाएगा पेड़ के पत्तों में, पेड़ के ब्रांचेज में, पेड़ के टहनी में और सब जगह, ठीक है। एग्रोफॉरेस्ट्री इसी को बोलते हैं, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, ये जो जो चीज हुआ उसको कार्बन सिक्विस्ट्रेशन बोलते हैं। ये कार्बन सिक्विस्टर हो गया, कार्बन को हमने स्टोर कर दिया। इंडिया मीट्स इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, ग्लोबल फाइट जो हमारा क्लाइमेट चेंज को लेके है उससे मीट करना है। लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही कम्युनिटी वाला एफर्ट होना चाहिए। जैसे बिहार में गोगा व्हील है, उसको कैसे कंजर्व किया जा रहा है भाई, तो जो कम्युनिटी एफर्ट है वो किया जा रहा है। तो हर जगह वेटलैंड को बचाना है तो कम्युनिटी एफर्ट डालना पड़ेगा, और लोकल पीपल का जो कैपेसिटी उसको बिल्ड करना पड़ेगा, उनका कैपेसिटी अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको सॉल्यूशन और प्रैक्टिकल टूल्स पहुंचाना होगा। अब गांव का लोग है जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जो अल्फा बीटा गामा नहीं जानते हैं, और आप जाके उनको आयोटा समझाने लगेंगे, काम करेगा? नहीं करेगा। गांव के लोग को आप सिंपल उनके लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी को आप बताइए, तब उनको समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि सिंप्लिसिटी इज वर्च्यू, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कीजिए चीजों को, कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। रिसोर्स इफिशियंट बनना है, बाकी यही सब चीज लिखा गया है। ये फार्मर्स आर स्मॉल और मार्जिनल, इंडिया में 80% फार्मर, 75% फार्मर जो हैं वो स्मॉल या मार्जिनल हैं, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है वो कितने हेक्टेयर वाले किसान को बोला जाता है, या कितने एकड़ वाले किसान को बोला जाता है स्मॉल, और कितने वाले को बोला जाता है मार्जिनल, और कितने वाले को बोला जाता है लार्ज, ठीक है। फार्मर का तीन क्लास में सेग्रीगेशन है, लार्ज फार्मर, स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर, ठीक है। तो इंडिया में मेजॉरिटी जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। तो इनके पास जमीन भी कम, पैसा भी कम, इनपुट भी कम, एजुकेशन भी कम, पावर भी कम, सब कुछ कम, तो भैया कैसे काम चलेगा। तो इनको स्मार्ट बनाना पड़ेगा। लार्ज फार्मर्स वो हैं जो फॉर्चूनर में घूमते हैं, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट भी इससे बढ़ेगा जब हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करेंगे। तो पीछे सारा रीजन आपको बता दिया है। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है इस रिगार्डिंग। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन फंड बनाया गया कि अडेप्ट करना है, ठीक है। तो अडेप्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो इनिशिएटिव चाहिए, उसके लिए फंड क्रिएट किया गया है। नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एक क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर अलग कॉन्सेप्ट है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अलग कॉन्सेप्ट है। क्लाइमेट रेजिलियंट है ना, वो स्मार्ट के अंदर में आ जाएगा। सॉइल हेल्थ मिशन, वही सॉइल का हेल्थ देखना है, पीछे हमने देखा। कृषि सिंचाई योजना हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इसी तरह से है। परंपरागत कृषि विकास योजना, नेटिव स्पीसीज, परंपरागत ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, नेटिव जो सीड्स है उसका यूज करना है, तो ये परंपरागत कृषि विकास योजना हो गया। बायोटेक किसान, किसान को बायोटेक इनेबल करना है, ठीक है। जीएम सीड्स का यूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप फर्टिलाइजर बनाइए, पेस्टिसाइड्स बनाइए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके खाद बनाइए। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाना है, पूरे विलेज को क्लाइमेट स्मार्ट बनाइए। सोलर सिस्टम लगा हुआ रहेगा, सोलर से जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कराया जाएगा, और उससे फिर इरिगेशन होगा, ठीक है। बाकी जो एग्रीकल्चर में जो स्मार्टनेस दिखाना वो तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो सारा चीज मिला के पूरे विलेज को स्मार्ट बना दीजिए, तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज हो गया। आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो ये आप अपने आंसर में भी कोट कर सकते हैं, एसए में भी कोट कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत कंक्लूजन है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हैज द पोटेंशियल टू अश्योर फूड सिक्योरिटी, एम्पावर फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट आवर डेलिकेट इकोसिस्टम बाय मर्जिंग इनोवेशन, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। इसको अपने हिसाब से फॉर्म कर लीजिए, और बस लेकिन ये तीन चीज जरूर लिख देना है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या कर दिया, फूड सिक्योरिटी भी दे दिया, इकोसिस्टम को भी प्रिजर्व कर दिया हमारा, ठीक है, और इनोवेटिव एवेन्यूज मिल जाता है, रेजिलियंस डेवलप करता है, सस्टेनेबिलिटी डेवलप करता है। इन द फेस ऑफ अ चेंजिंग क्लाइमेट द पाथ ऑफ सीएसएस स्टैंड्स आउट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वर्ल्ड वर्किंग टू इंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। यहां पे आप एसडीजी को भी मेंशन कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन का। और इसी के साथ ये आर्टिकल हुआ खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।